मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूँ कहानी आपको आल्हा उदल की। मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया और चंदेल राज परमाल के भाई दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया। उन्हें बंदी बनाकर वो मांडवगढ़ ले गया। लेकिन इस पर भी बघेल राजा की क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और वत्सराज को मारकर उनका सिर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। आज भी अलहे तो उल्लेख करते हैं कि टंगी खुपड़िया है बरगद पर बरखा सहे सीत और घाम और आधी रतिया की बेला में रोबे ले अला को नाम। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद उदल का जन्म हुआ। कहते हैं जही दिन जन्म हुआ उदल का धरती धसी अढ़ाई हाथ, यानी जिस दिन उदल का जन्म हुआ उस दिन धरती उदल के भार से अढ़ाई हाथ यानी ढाई हाथ धस गई। लेकिन उदल की माता देवलते खुश न थी। मत दो इसे मेरी गोद में, कुल नाशक है ये। देवलते, एक माँ होकर अपने बेटे के लिए ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता मलहना, तो पेट में आने के 3 महीने बाद इसके पिता की मृत्यु नहीं हो जाती। इसमें इस बच्चे का क्या दोष, ये तो नियति है। जिस पुत्र ने अपने पिता का मुंह नहीं देखा, जिसके जन्म लेते ही धरती ढाई हाथ नीचे धस गई, वो कुलनाशक नहीं तो और क्या है, कहो ना। देवलते, तुम कटु हो गई हो, तुमसे बहस का ये उचित समय नहीं है। मलहना, जब आप समझ ही चुकी हैं, तो मुझे अकेले छोड़ने का कष्ट करो। हाँ बिल्कुल, आज से मैं इस बच्चे की माँ हूँ, अपने साथ ले जा रही हूँ इसे। पर एक बात याद रखना देवलते, आगे चलकर यही बालक राज्य का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा ये धर्म की माता है मालंदे, जो उदल को दियो बचाए। धर्म की माता है मालंदे, जो उदल को लिए बचाए। राजा परमाल ने महोबा के इन 5 वीर आला उदल मलखान ब्रह्मकुमार और ढेबा को एक साथ पढ़ाया लिखाया तथा अस्त्र शस्त्र को चलाने की कला से रूबरू कराया। देखते ही देखते पांचों बालक अपनी किशोरावस्था पार कर गए। साथ ही साथ इनकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रांत भर में फैल गए थे। इन सब में उदल की वीरता से राजा परमाल काफी प्रभावित थे। एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठकर उदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों के सामने कर रहे थे कि तभी आला उदल का मामा माहिल वहां आ पहुंचा। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा, क्षमा करें महाराज, उदल तो साधारण सिपाही है, वो कब से तलवार बांधने लगा। भांजे की वीरता से मामा प्रभावित नहीं था। माहिल किस ओर इशारा करना चाह रहा है? माना माना कुछ छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे उदल ने, किंतु छोटे मोटे युद्धों से कोई शूरवीर तो नहीं बन जाता ना महाराज। उदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज। माहिल, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। पूरे राज दरबार में बैठे सभी सामंत एवं राजा परमाल खुद इस बात से चौंक गए। सब उत्सुकता से माहिल की तरफ देखने लगे। क्षमा महाराज, किंतु यदि ये उदल वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके बाप का सर आज तक टंगा नहीं रहता महाराज। जब तक दक्षराज और वत्सराज के सर मांडवगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी महाराज। तो अगर उदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीध ना खाए। बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीध ना खाए, यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा परमाल ने माहिल की इस बात को काटने की कोशिश की। वो माहिल को चुप कराना चाहते थे ताकि ये बात उदल के कानों तक ना पहुंचे। लेकिन चुनौतियां खुद चलकर यदि शूरवीरों के पास नहीं आती हैं, तो कहा जाता है कि शूरवीर खुद चलकर चुनौतियों के पास पहुंच जाते हैं। चलती हुई बातों के बीच उदल वहां पर आ पहुंचे। माहिल, तुम चाहते क्या हो?
कि प्रतिशोध की आग में इनके भी सिर वहीं टंगे मिले। बस थोड़ा समय और। किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? किसका सर कहाँ टंगा है? कुछ नहीं उदल। आओ भांजे उदल, तुम्हारी ही बात हो रही थी। माहेल, अरे बताने दीजिए ना महाराज, अभी तो आप प्रिय उदल की शूरवीरता के किस्से सुना रहे थे, अब जब शूरवीरता सिद्ध करने का अवसर है तो किस बात से भयभीत हो रहे हैं? और यदि अपने ही लोग यह नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? प्रिय उदल, मांडोगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है, वो ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो बता नहीं पाऊंगा। राजा परमाल की लाख कोशिश के बाद भी सच उदल के सामने आ चुका था। वे एक क्षण के लिए भी राज दरबार में नहीं रुके। माँ, सच सच बताना माँ, हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडोगढ़ में टंगी है? खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी खोपड़ी के बारे में। उदल के मुंह से ये बात सुनकर देवलते डर गईं। वे समझ चुकी थीं कि आगे क्या हो सकता है। उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उदल टस से मस ना हुआ। तब देवलते को बोलना ही पड़ा कि टंगी खोपड़िया बाप चचा की, मांडोगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके कहवा उदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडोगढ़ में राज बघेल जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब वाहन पे तब कह दही है तो कह मार। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ पुत्र, किंतु इस समय तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? माँ, क्षत्रिय की उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाया था, लव कुश ने पराक्रमी राम को कड़ी टक्कर दी थी, तब उनकी उम्र क्या थी? और फिर राम लक्ष्मण की क्या उम्र थी जब वो राक्षसों से लड़े थे? देवलते उदल के तर्कों को काट ना सके, तभी उसने उदल को मलहना के पास ले जाने की सोची। मलहना उदल की धर्म माता थी। देवलते को महसूस हुआ कि अपनी धर्म माता की बात उदल अवश्य सुनेगा। क्या कहा मलहना ने उदल से? क्या उदल ने मलहना की बात मानी? बताऊंगा। महोवा के कवि कुल श्रेष्ठ जगनायक या चारण जगनिक राव द्वारा लिखित परमाल रासो की इस अमर बानगी में उल्लेख है बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों।